अयोध्या जनपद के भदरसा गैंगरेप मामले पर गैंगरेप आरोपी मोहित खान की डीएनए रिपोर्ट को लेकर अयोध्या सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ना डीएनए रिपोर्ट मांगती तो सरकार डीएनए रिपोर्ट प्रकाशित ना करती। उन्होंने कहा कि गैंगरेप को लेकर मोहित खान को चर्चा से लाया गया था। सरकार की तरफ से मोहित खान बोला गया, सारी बातें अब साफ हो गई हैं। हमारे नेता अखिलेश यादव को पहले से ही शंका थी कि वह इतनी ज्यादा उम्र का है, वह कैसे ये काम कर सकता है। मुस्लिम के नाम पर भाजपा बदनाम करना चाहती है। अगर उच्च न्यायालय रिपोर्ट ना मांगती तो ये रिपोर्ट प्रकाशित ना होती। पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में ये संदेश गया है कि सरकार पूरी तरह से मुस्लिम विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, संविधान विरोधी सरकार है, आरक्षण विरोधी सरकार है, संविधान विरोधी सरकार है, आरक्षण विरोधी सरकार है। ये मैसेज पूरे प्रदेश में गया है और इस मैसेज से 2027 में अब चुनाव होगा तो भाजपा का सफाया हो जाएगा। कहाँ हुआ है? मोहित का नहीं, राजू खान नहीं है, मोहित। अब ये तो सबको पता था ना, पता था, इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मांग भी किया था। और ये तो बहुत पहले रिपोर्ट आ गई थी, सरकार की जानकारी में थी, उसके संज्ञान में थी, दबी गई और इसको दबाया था, टाला गया था। और शायद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश ना होता तो उसको दबाए रहते, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने एक निश्चित डेट दी थी 30 तारीख दाखिल किया जाए, तो उनकी मजबूरी थी तब दिखाया गया। नहीं तो बहुत पहले आ गई थी कि ये इसमें कुछ नहीं आया है। सरकार द्वारा जो कार्यवाही की गई है वो अवैध है, अवैधानिक है, नहीं होनी चाहिए। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया इन्हीं सी आदतों को लेकर इस प्रदेश की जनता करेगी।